दोस्तों आज की इस वीडियो में क्रॉप टूल्स के बारे में पूरे डिटेल में हमने बताया है कि कैसे आप क्रॉप कर सकते हो और क्रॉप से रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस होता है, जैसे रेजुलेशन, फ्रंट इमेज और इंच रेजुलेशन, जितने भी चीज ऑप्शन होता है उस क्रॉप टूल से रिलेटेड इस वीडियो में पूरी तरीका से डिटेल में हमने उसके बारे में जानकारी दी है। तो अगर आप फोटोशॉप में क्रॉप करने में आपको कोई भी परेशानी होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्रॉप से रिलेटेड कोई और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हो फोटोशॉप में तकरीबन फुल साइज का हमारे पास फोटो है जो कि आप स्क्रीन में बड़े ही आसानी से देख पा रहे होंगे। यहाँ पर टूल्स बार में अगर आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक क्रॉप टूल्स के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्रॉप से रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पे जैसे कि विडिट, हाइट, रेजुलेशन, पिक्सल, यहाँ पे पिक्सल सेंटीमीटर और इंच दिखाई दे रहा होगा, फ्रंट इमेज और क्लियर, इन सभी ऑप्शंस का क्या यूज होता है और कब इसको यूज किया जाता है इसके बारे में हम आपको डीपली नॉलेज देंगे, जिसके बाद आप क्रॉप से रिलेटेड सभी ऑप्शंस को समझ जाएंगे। जैसे कि अगर मुझे क्रॉप करना है फोटो को, तो क्रॉप करने के लिए यहाँ पे सिंपल आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे, जितना आपको एरिया चाहिए उतना आप कर सेलेक्ट करके एंटर दबा देंगे, यहाँ पे आपके पास फोटो क्रॉप हो जाएगा। अब आप समझते होंगे कि बस इतना ही यूज है। नहीं दोस्तों, क्रॉप से रिलेटेड और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिसको जानने के बाद आप कहोगे वाह वेरी नाइस। अगर आपको ऐसा लगेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी हमने देखा कि इस प्रकार से क्रॉप किया और जितना एरिया मुझे चाहिए डबल क्लिक किया, हमने यहाँ पे क्रॉप हो गया। इसके आगे हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपको एक साइज डिसाइड कर लिए हैं कि इतना साइज बाई इतना साइज यानी 2 इंच बाई 1 इंच ही मुझे क्रॉप करना है, तब आप कैसे करेंगे। इसमें आप इस प्रकार से क्रॉप चलाएंगे तो समझ में तो आएगा नहीं कि यहाँ पे हमारा क्रॉप कितना हो रहा है। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं, यहाँ पे कह रहा था ना विडिट और हाइट, यहाँ पे विडिट को साइज में डाल देंगे, हाइट को साइज में डाल देंगे, यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई का हम साइज लगा देंगे तो ऑटोमेटिक से यहाँ पे हमारा साइज लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रूलर बार देख सकते हो, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे साइड से यहाँ पे एक जो इंच टाइप का होता है वो यहाँ से हट गया होगा। अभी फिर से दबाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक से आ जाएगा। इस पर अगर हम राइट क्लिक करेंगे रूलर में तो यहाँ पे कई सारे पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, पॉइंट, पिक्सा और परसेंट, यहाँ पे कई प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल इंच में सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जिसकी ज़रूरत हो आप यहाँ से राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, वो इसी रूलर में आपके पास दिखाई देने लगेगा। अगर आपको विडिट यानी चौड़ाई अगर आपको 2 इंच रखना है और हाइट में अगर आपको यहाँ पे 3 इंच रखना है, तो उसके बाद अब आप जो क्रॉप का ऑप्शन चलाएंगे यहाँ पे उतना ही साइज के एरिया को सेलेक्ट करेगा। यानी कि देख सकते हो कि यहाँ पे हमने इसको साइड में अगर हाइट चौड़ाई देखें तो 2 इंच लगाया है और हाइट इसमें 3 इंच, तो उसी टाइप के एरिया को ये सेलेक्ट करेगा। और जैसे ही यहाँ से हम ओके करेंगे कि ऑटोमेटिक से उतना बाय उतना साइज को यहाँ पे क्रॉप करके हमारे सामने रख देगा। लेकिन अभी अगर हम चाहते हैं इसको रेजुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो रेजुलेशन अगर हम यहाँ पे 300 डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं क्रॉप करता हूँ, तो इसका जो रेजुलेशन जो पहले से ऑलरेडी रेजुलेशन है इस फोटो का, अभी हम दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले इमेज में जाएंगे, इमेज साइज में जाएंगे और यहाँ से रेजुलेशन 72 है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 300 हमने डाला है। तो अब यहाँ पे हम क्रॉप करते हैं और जैसे ही मैं इसको क्रॉप करेंगे इसका रेजुलेशन 300 हो चुका है। अभी अगर हम इसका इमेज साइज पे जाके देखें तो यहाँ पे 300 हो गया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रेजुलेशन का मतलब होता है कि फोटो का साइज को बढ़ाना और उसका जूमिंग एरिया को थोड़ा सा कि हाई करना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो पिक्सल और इंच है, तो पिक्सल और इंच रेजुलेशन जो भी आपको, जैसे कि अभी अगर हम इंच में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इंच सेलेक्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर में सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम इंच में करेंगे तो यहाँ पे ये 72 रेजुलेशन आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट है और लिखा हुआ भी है 72। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है यहाँ पे हमारे पास एक फ्रंट इमेज का, जैसे कि हमें यहाँ पे 2 बाय 3 का यहाँ पे हमने साइज लिया हुआ है, तो इसको अगर मैं इतना क्रॉप कर देता हूँ और क्रॉप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो फोटो हमारा फट गया, क्योंकि इसका रेजुलेशन 72 रखा था हमने। ठीक है, और अगर हम यहाँ से इसको 300 कर दूंगा तब आप देखना, मैं इसको अभी 300 रेजुलेशन में क्रॉप करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो
डबल क्लिक किया और यहाँ पे देखो अभी इसका साइज में यानी इसका जो रेजुलेशन है उसके फोटो की क्वालिटी में जरा सा भी गड़बड़ी नहीं हुई है। तो आप समझ गए रेजुलेशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फ्रंट इमेज, ठीक है। अब आपको पता नहीं है कि इसका इमेज का साइज क्या है, लेकिन जब आप यहाँ इमेज साइज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसका साइज दिखेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि सेम टू सेम इसी साइज में किसी दूसरे फोटो को क्रॉप करना चाहते हैं आप, तो वो आप कैसे करेंगे। अभी हम फोटोशॉप में कोई और फोटो ला करके ऐड करता हूँ, तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि फोटोशॉप में हमने इस फोटो के अलावा एक और फोटो ऐड किया हूँ, ये समझाने के लिए कि फ्रंट इमेज क्या होता है। यहाँ पे फ्रंट इमेज का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। फ्रंट इमेज का मतलब ये होता है कि जैसे कि इस फोटो का जो साइज है हम उसी सेम साइज सेम रेजुलेशन में इस फोटो को क्रॉप करना चाहते हैं, तब हम इस फ्रंट इमेज के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अभी हम जैसे ही इस फ्रंट इमेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे साइज सेलेक्ट हो गया। अभी हम इसको क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे कि इस फोटो का मुझे साइज लेना है तो फ्रंट इमेज करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे देख सकते हो कि इसका साइज रेजुलेशन पिक्सल इंच टोटली यहाँ पे ले चुका है। और अब हम चाहते हैं कि इस वाले फोटो को क्रॉप करना, तो अब हम यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन को ऑटोमेटिक चला देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये सेलेक्ट कर देगा और उतना ही रेजुलेशन उतना ही हाइट वीट सब कुछ ले लिया सेम साइज में। यानी फ्रंट इमेज का मतलब ये हुआ कि उस इमेज का फ्रंट कॉपी कर लिया, उसका साइज रेजुलेशन, और उसी साइज में आप अपने क्रॉप टूल को किसी दूसरे फोटो में यूज कर सकते हो क्रॉप करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन बचता है हमारे पास क्लियर का, तो क्लियर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे जो साइज है वो हमारा फ्री हो चुका है। अभी हम जितना मर्जी चाहे उतना क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्रंट इमेज कर देते हैं तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि हम इसमें कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, नहीं, ये अपना साइज जो लिया हुआ है उतना में ही ये रहेगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से क्लियर ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो क्लियर में यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे अब आप जितना मर्जी चाहो अपने मर्जी के अनुसार उतना एरिया को चारों साइड से कम या ज़्यादा करके फोटो को क्रॉप कर सकते हो। दोस्तों आई होप कि क्रॉप से रिलेटेड आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको क्रॉप से रिलेटेड कोई भी इशू हो या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।